हेलो दोस्तों, टुडे स्टॉक मार्केट में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम एक ऐसे स्टॉक पर बात करने वाले हैं जिसकी प्राइस की बात करें तो हमें लगभग 700 के ऊपर ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है और ये प्राइस हमें बताते हुए काफ़ी खुशी मिल रही है, क्योंकि जब ये स्टॉक की प्राइस दोस्तों 300+ में ट्रेड करते हुए हमें देखने को मिला था, उस समय से लगातार वीडियो बना के आप लोग को यही बोला था कि स्टॉक की प्राइस हमें आने वाले ट्रेडिंग सेशन में लगभग 500+ में जाते हुए देखने को मिलेगा। जब स्टॉक की प्राइस हमें 300 यानी कि 400 क्रॉस करके आगे निकला था, उस समय भी हम आप लोगों को वीडियो बनाकर बोला था कि स्टॉक के ऊपर आप लोग फोकस बना कर रखिए, आने वाले ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक की प्राइस हमें 500 क्रॉस करते हुए देखने को मिलेगा। जब स्टॉक की प्राइस 500 क्रॉस करके आगे निकला, उस समय भी हम आप लोग को वीडियो बनाकर बोला था कि स्टॉक की प्राइस हमें आने वाले ट्रेडिंग सेशन में हमें 700+ में भी हमें देखने को मिल सकता है। आप लोग चाहो तो इस स्टॉक पर फोकस बनाकर रख सकते हो। स्टॉक काफ़ी दमदार है और स्टॉक लॉन्ग टर्म में बहुत ही अच्छा खासा मुनाफा इस स्टॉक में हमें मिल सकता है। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं, देखते हैं कि वो स्टॉक है कौन सा। दोस्तों मैं वीडियो शुरू करने से पहले एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरी जो भी वीडियो आएगा नेक्स्ट उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएगा। दोस्तों मैं आप लोग से बात कर रहा हूँ अडानी टोटल गैस लिमिटेड के रिगार्डिंग। अगर मैं इसका आज की ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो आप लोग देख सकते हो कि इसमें लगभग 1.5% का हमें रैली देखने को मिल रहा है, जो कि हम ठीक ठाक बोल सकते हैं। वहीं बात करें यहाँ पे पिछले 6 मंथ का, तो आप लोग देख सकते हो इस स्टॉक में हमें लगभग 100% का हमें मुनाफा देखने को मिल रहा है, यानी कि रैली देखने को मिल रहा है। दोस्तों एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि इस स्टॉक का हमें नाम चेंज होते हुए देखने को मिल रहा है, इसमें टोटल ऐड हुआ है दोस्तों, जिसके वजह से अगर बात करें इसका मैक्सिमम डिके चार्ट पैटर्न देखें तो यहाँ पे हमें जैन से ही देखने को मिल रहा है। जब से इसका नाम अपडेट हुआ है इस कंपनी का, हमें उसी वक्त से इसका मैक्सिमम डिके चार्ट पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है। हालांकि बात करें इस स्टॉक का तो इसका 52 वीक लो दोस्तों हमें लगभग 100 के नीचे भी हमें देखने को मिला था जब लास्ट ईयर लॉकडाउन की स्थिति हुई थी, और वहां से स्टॉक के प्राइस काफ़ी शानदार तरीके से जंप दिखाए हैं। उसके बाद में इसी साल हमें जैन में इस स्टॉक का नाम हमें चेंज होते हुए देखने को मिला था, और इस स्टॉक के प्राइस हमें आने वाले ट्रेडिंग सेशन में लगभग 1000 के क्रॉस करके भी हमें आगे जाते हुए देखने को मिलेगा। लेकिन इसके लिए थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए दोस्तों, क्योंकि स्टॉक काफ़ी शानदार है। तो चलिए अगर बात करें इसका मैक्सिमम डिके चार्ट पैटर्न का, तो यहाँ पे देख सकते हो कि हमें लगभग 100% का हमें इसमें रैली देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी शानदार है। तो चलिए इस स्टॉक से रिलेटेड कुछ और इन्फॉर्मेशन देखते हैं, देन इसका एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल की बात करेंगे। अगर मैं इसका आज के ट्रेडिंग सेशन की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर देख सकते हो आप लोग कि आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें इस स्टॉक में काफ़ी शानदार तरीके से हमें डिलीवरी देखने को मिल रहा है। दोस्तों ये डिलीवरी हमें ये इंडिकेट करता है कि आने वाले ट्रेडिंग सेशन में इस स्टॉक में हमें जबरदस्त तरीके से हमें रैली देखने को मिल सकता है, तो आप लोग चाहो तो इस स्टॉक पर फोकस बना के रख सकते हो। वहीं बात करेंगे इसका 52 वीक लो एंड हाई का, तो आप देख सकते हो स्टॉक ओनली 76 के ऊपर ट्रेड कर रहा था लास्ट ईयर जब देश में लॉकडाउन की स्थिति हुई थी, और वहाँ से स्टॉक के प्राइस में जबरदस्त तरीके से हमें जंप देखने को मिला और स्टॉक के प्राइस लगभग 750 के अप्रोक्स में हमें ट्रेड करते हुए देखने को मिला था हाल ही के दिनों में, आप लोग देख सकते हो। वही बात करेंगे इसका फेस वैल्यू का, हमें 1 रुपए देखने को मिल रहा है। वही बात करेंगे कि यहाँ पे दिसंबर क्वार्टर में कंपनी ने कितना यहाँ पे नेट प्रॉफिट शो किया है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे जबरदस्त तरीके से हमें नेट प्रॉफिट में जंप देखने को मिल रहा है दिसंबर क्वार्टर में। वही बात करेंगे कि इस स्टॉक में प्रमोटर का होल्डिंग कितना है, तो यहाँ पे देख सकते हो ऑलमोस्ट हमें 75% के अप्रोक्स में होल्डिंग देखने को मिल रहा है प्रमोटर का। सबसे बड़ी बात है कि इस स्टॉक में अडानी ग्रुप के स्टॉक में हमें जितने भी स्टॉक देखने को मिलता है सब में हमें प्रमोटर का सिर्फ प्लेस देखने को मिलता है, लेकिन अडानी गैस में दोस्तों एक भी शेयर प्लेस नहीं है प्रमोटर का। यहाँ पे सबसे बड़ी प्लस पॉइंट इस स्टॉक में हमें देखने को मिल रहा है। वहीं बात करेंगे इस स्टॉक से रिलेटेड कुछ और इन्फॉर्मेशन का, तो यहाँ पे देखते हैं रिजर्व एंड सरप्लस कितना है कंपनी के पास। तो यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस काफ़ी शानदार तरीके से हमें देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे एवरी ईयर जबरदस्त हमें इंप्रूवमेंट के साथ देखने को मिल रहा है। मैं यहाँ पे स्टार देना चाहूँगा दोस्तों, स्टॉक के प्राइस हमें आने वाले सालों में लगभग 1500+ में भी हमें देखने को मिलेगा, लेकिन इसके लिए लॉन्ग टर्म के लिए आप लोग होल्डिंग बना कर रखना चाहिए, क्योंकि स्टॉक काफ़ी शानदार है।
लेकिन दोस्तों डिसीजन आप ही का होगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म में स्टॉक के प्राइस में काफी हमें ग्रोथ होते हुए देखने को मिल सकता है। वही बात करेंगे यहाँ पे लॉन्ग टर्म ब्रोइंग का, तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म ब्रोइंग भी हमें इस स्टॉक में थोड़ा सा हमें देखने को मिल रहा है। वहीं बात करेंगे शॉर्ट टर्म ब्रोइंग का, तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म ब्रोइंग भी हमें लगभग 57 करोड़ का हमें देखने को मिल रहा है दोस्तों। वहीं बात करेंगे यहाँ पे फिक्स एसेट का, तो यहाँ पे फिक्स एसेट भी काफ़ी शानदार तरीके से हमें एवरी ईयर काफ़ी इम्प्रूवमेंट के साथ हमें देखने को मिलता है। मैं यहाँ पे स्टार देना चाहूँगा दोस्तों, स्टॉक काफ़ी शानदार लग रहा है मुझे और स्टॉक लॉन्ग टर्म में बहुत ही शानदार तरीके से मुनाफा देने वाला है। तो चलिए इस स्टॉक से रिलेटेड कुछ और इन्फॉर्मेशन देखते हैं। तो यहाँ पे बात करेंगे इस स्टॉक का वैल्यूएशन का, तो यहाँ पे देख सकते हो कि इस स्टॉक का मार्केट कैपिटलाइजेशन हमें लगभग 78,000 का अप्रोक्सिमेट में देखने को मिल रहा है। जो कि बात करें यहाँ पे फेस वैल्यू का, तो हमें 1 रुपये देखने को मिल रहा है। जो कि बात करें यहाँ पे सेक्टर के पी रेशियो का, तो यहाँ पे 43.12 देखने को मिल रहा है, जो कि सेक्टर के पी रेशियो से इस स्टॉक का पी रेशियो काफ़ी हाई हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन जिस तरीके से हमें लगभग 50% के आसपास में हमें डिलीवरी देखने को मिला है दोस्तों, तो ये इंडिकेट करता है कि स्टॉक के प्राइस में हमें और भी जंप देखने को मिल सकता है और स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी शानदार हमें देखने को मिल रहा है। आप लोग चाहो तो इस स्टॉक पर फोकस बना कर रख सकते हो। वहीं बात करेंगे कि यहाँ पे दिसंबर क्वार्टर में कितना सेल्स दिखा है कंपनी ने, तो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग दिसंबर क्वार्टर में काफ़ी शानदार तरीके से हमें यहाँ पे सेल्स देखने को मिल रहा है, जिसके वजह से हमें नेट प्रॉफिट में भी काफ़ी शानदार तरीके से हमें जंप देखने को मिला था दोस्तों। वहीं बात करेंगे कि इस स्टॉक में FII की होल्डिंग कितना है, DII की होल्डिंग कितना है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि एक मिनट दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि सबसे पहले बात करेंगे प्रमोटर का, तो यहाँ पे लगभग 75% के आसपास में हमें प्रमोटर का होल्डिंग देखने को मिल रहा है। जो कि बात करें FII की होल्डिंग की, तो लगभग हमें 20% से अभव का हमें होल्डिंग देखने को मिल रहा है। वहीं बात करेंगे यहाँ पे पब्लिक का होल्डिंग की, तो लगभग 4% से अभव का हमें होल्डिंग देखने को मिल रहा है। तो शेयर होल्डर पैटर्न काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से हमें देखने को मिल रहे हैं। आप लोग चाहो तो इस स्टॉक पर फोकस बना के रख सकते हो। स्टॉक लॉन्ग टर्म प्लस शॉर्ट टर्म दोनों के लिए काफ़ी शानदार तरीके से साबित हो सकता है फ्यूचर में दोस्तों। तो चलिए हम बात करते हैं कि अगर इस स्टॉक में थोड़ा सा हमें करेक्शन देखने को मिलता है, तो स्टॉक के प्राइस हमें कितने नीचे और आते हुए हमें देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों अगर इस प्राइस से बात करें, तो लगभग हमें 642 रुपये के आसपास के हमें एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल देखने को मिल रहा है। अगर बात करें फ्यूचर का, तो स्टॉक के प्राइस हमें आने वाले ट्रेडिंग सेशन में 1000 को क्रॉस करके भी हमें आगे जाते हुए देखने को मिल सकता है। तो आप लोग चाहो तो इस स्टॉक पर फोकस बना के रख सकते हो। स्टॉक काफ़ी शानदार है दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करते हो वीडियो अच्छा लगा है, अच्छा लगे प्लीज़ हमें यूट्यूब सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो आएगा नेक्स्ट उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, बाय।